जिस क्षेत्र से आते हैं, जहां से सांसद हैं, बनारस की उन गलियों में आज का राजनीतिक माहौल क्या है, मुद्दे क्या है, कौन से चेहरे हावी नजर आते हैं। हालांकि बनारस के बारे में तो कहा यह जाता है कि यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत तो तय है, लेकिन ये जीत कितने बड़े मार्जिन से होगी, आज हम बनारस की इन्हीं घाट इन्हीं गलियों से होते हुए गुजरेंगे और लोगों से उनकी राय जानेंगे। बनारस के अलग अलग गलियों से होते हुए इस वक्त मैं दोशीपुरा के मोहल्ले में आ गई हूँ। बहुत ही पुराना ये मोहल्ला है, बुनकरों का मोहल्ला कहा जाता है, और यहाँ पर मुस्लिम आबादी, जो कि बनारस की अगर कुल आबादी की बात की जाए तो 20% हिस्सा मुस्लिम आबादी का है, बड़ी संख्या में वो इस इलाके में रहते हैं। जब मोहल्लों से गुजरती हूँ तो अपने आप ही कुछ कुछ मजमा लगता चलता है, लोगों से बात करती चलती हूँ। ज़रा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एक धारणा बनाई जाती है कि मुसलमान मोदी को वोट नहीं देता है, तो क्या वाकई में ऐसा है? मैं भी देखती हूँ, एक अगर छेड़ ले लूँ। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? बिलाल अहमद। बिलाल जी, एक ये धारणा बनाई जाती है कि मुसलमान मोदी को वोट नहीं देता है, तो ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कि मुसलमान मोदी को वोट नहीं देता, मोदी के कार्यों पर वोट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हमारी कम्युनिटी में मोदी जी का आज भी बहुत क्रेज है, उनके काम का क्रेज है, उनकी जो अच्छी चीज़ें उसका क्रेज है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या अच्छे काम करवाए मोदी ने, तो क्या बताइएगा बनारस में कौन से बेहतर काम हुए? बनारस में देखे बेहतर काम, सड़कों का काम अच्छा हुआ है। मोदी जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, उससे बहुत ही रोजगार में वृद्धि हुई है यहाँ पे, लेकिन वो लोकल लोगों के लिए नहीं हुई है। जैसे हमारे लोकल लोगों जो बुनकर से बिलोंग करते हैं, उनके रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा रही है। अच्छा, मैं जब इस इलाके में आ रही थी तो आपका नाम मैंने सुना, और मुझे पता चला कि आपकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी, ये मुलाकात कब हुई थी? जी, ये 2014 में जब मैं पार्षद था, मैं 3 बार का पार्षद हूँ, हम लोगों 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो हम लोगों को बुलाए थे, सभी बनारस के पार्षदों को, तो हम उसमें गए, तो उसमें हमारी मुलाकात मोदी जी से हुई। हमसे पूछे बनारस के लिए, मैं तो लालपुर में बुनकर का हब बनाया, मैंने कहा मैं बुनकर का बेटा हूँ, बुनकर से बिलोंग करता हूँ, सारे बुनकर का ताना बाना को मैं जानता हूँ। तो उस बार मैं उससे हमने कहा था कि सर, बुनकर वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, वहाँ जो भी बुनकर पहुँचे बड़े बड़े सेठ हैं वो पहुँचे, सारा फ़ायदा उनको मिल रहा है, क्योंकि बुनकर कोऑपरेटिव समिति बनी थी 35 साल पूर्व, बहुत सी कागजों पर है, जितने छोटे बुनकर हैं बड़े बुनकर उनका शोषण कर ले रहे हैं। तो मैं उनसे कहा था कि आप वार्ड बुनकर समिति बना दीजिए या मोहल्ला बुनकर समिति बनाइए, पुरानी समितियों को भंग करिए, तो यहाँ के बुनकर को बुनियादी जो सुविधाएं हैं और जो उनका फ़ायदा रिस्पांस सब मिलेगा उनको। ये तो मैंने देखा कि अभी बुनकर समाज का बहुत उत्थान होना ज़रूरी है, इस इलाके में जब आती हूँ तब ये चीज़ महसूस करती हूँ। मुझे ये बताएं कि बनारस से अभी भी कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जीत नहीं पाएंगे, क्या ये संभव है? नहीं, ये तो हमें संभव नहीं लग रहा है, ये जो भी जिनकी धारणा वो गलत है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम ऐसा बात नहीं कह सकते। वो अच्छे कार्य करे हैं, जनता उनके ऊपर विश्वास रखी है, उनको यहाँ की जनता जिताएगी। ठीक है, कुछ और लोग हैं सर, उनसे भी बात कर लेते। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? शकील अहमद। शकील जी, ये धारणा है कि मोदी को मुसलमान वोट नहीं देता, ऐसा है क्या? ना, ऐसा नहीं है। जो एक आम नेता अगर कोई काम किसी करता है तो उसको कोई लोग देते हैं जो उनके सपोर्टर रहते हैं, सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है। मुसलमान भी इस देश के अंदर जो उनके चाहने वाले, जैसे बौरा समिति वाले देते हैं, बौरा लोग जो देते हैं, नासिक वाले महाराष्ट्र, तो तमाम बहुत से लोग। बनारस वाले मुसलमान उनके साथ हैं या नहीं है? नहीं, बनारस वाले का ऐसा नहीं है, कुछ मुसलमान तो होंगे, ऐसा तो होंगे नहीं होंगे ऐसे तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप जैसे बुनकरों की हाल है, मैं प्रधानमंत्री जी से बात, आपके माध्यम से बात करते हैं कि बुनकरों की बदहाली है, बुनकरों की यहाँ पोजिशन ये है कि आपने आया देखे, कोई करघा नहीं चल रहा, कोई मशीन नहीं चल रही है। मुसलमान मोदी को वोट देता है या नहीं देता है, बड़ी सीधी बात पूछ। बिल्कुल देता है, बिल्कुल वोट देता है मुसलमान। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कोई 3 मुद्दे ऐसे जिस पर मोदी को वोट दिया जा सकता है, तो वो क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा बनारस का है बुनकर का, बुनकर की समस्या अगर हल हो जाए तो मोदी जी को वोट बुनकर भी बहुत सारा देंगे। बुनकर कुछ उनसे नाराज हैं, लेकिन नाराज तो है, ये तो मुझे 2 रिएक्शन के बाद पता चला। अब ये बताइए कि अगर मुसलमान मोदी को वोट दे, नहीं दे वाली बात नहीं पूछूं, लेकिन अगर दे तो किस मुद्दे पर दे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ मैडम, ये है कि एकदम बुनियादी समस्या मैं बात करूँ,
जैसे किसान खेत में अनाज उगाने का पेट भरने का काम करता है, वैसे ही बुनकर तन ढकने का काम करता है। तमाम पूरे वर्ल्ड में शादियाँ होती हैं, उसकी साड़ी कपड़े जाते हैं बनारस से, लेकिन आज बनारस का ये हाल है बुनकरों का। मैडम मैं सही बता रहा हूँ एकदम कि उनके धंधे नहीं चल रहे हैं, तमाम बुनकर परेशान है, बंद पड़ा हुआ है। और सबसे पहले कई वर्षों से जब ये सरकार आई है, बिजली समस्या एक नंबर पर है। जो हमसे 150 रुपये में बिजली 1 किलोवाट लिया जाता था, आज 860 रुपये हो गया है, वो कहाँ से देगा? ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ। 800 एक बात बताइए, चलिए मैं आपसे ये पूछती हूँ कि क्या फिर राहुल गांधी देश का नेतृत्व कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि वो देखिए ईमानदारी से जवाब दें, क्या राहुल गांधी या अखिलेश यादव देश का नेतृत्व कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि पिछले टाइम में अभी उनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी 10 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो ऐसा देखने में नहीं मिला कि जैसे इस वक्त बिजनेस और कारोबार की मजदूर वर्ग की ये हाल है। तो खुल के बोलिए ना कि राहुल गांधी अखिलेश यादव देश का नेतृत्व कर सकते हैं। तो नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, किए थे, कर सकते हैं। ठीक, राहुल गांधी अभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, लेकिन अगर वो देश को तो वोट मिलेगा तो बन भी जाएंगे, नेतृत्व कर सकते हैं या नहीं? देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी खानदानी लोग हैं, उन्होंने भी हुकूमत किया इस देश के ऊपर, ऐसा नहीं है। अगर राहुल गांधी की बात करेंगे तो देश के अंदर उनके दादी ने किया है, उनके पिता ने किया है, सब ने शासन किया है, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते। वो घराना ऐसा नहीं है कि नहीं प्रधानमंत्री का वो पद नहीं संभाल सकते। देखिए ये यहाँ के लोगों की राय है, इनका कहना ये है कि मोदी को मुसलमान भी वोट दे सकता है, लेकिन बुनकरों की समस्या का भी निदान होना चाहिए। अब ये 20% की आबादी है, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी के मुरीद हैं, लेकिन अगर यूँ कहा जाए कि सारा का सारा वोट मोदी जी को जा रहा है, तो ये भी कहना गलत होगा।